हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा चौथी विषय गणित ब्रिज कोर्स लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री के कुछ महत्वपूर्ण पाठों को देखेंगे, जिसमें सीखेंगे हम कक्षा चौथी के खंड आ विषय गणित 2022-23 वर्कशीट क्रमांक 4 संख्याओं को पढ़ना एवं लिखना। आइए बच्चों, अगर इसके पूर्व आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, यह है वर्कशीट 4 संख्याओं को पढ़ना एवं लिखना। इसमें हम सीखेंगे, देखिए सबसे पहले हम इकाही, दाही और सैकड़ा इस प्रकार का जो है, इकाही में पहले वाले अंक, दूसरे वाले में दाही, तीसरे वाले में सैकड़ा, इस तरह से हम इसमें देखेंगे। तो इकाही में कितने संख्या है उसको देखेंगे, तो 1, 2, 3 संख्या इकाही में है। और इसके बाद देखेंगे हम दाही में 2 संख्या है, 1 और 2। फिर सैकड़ा में देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 और 6। तो इस तरह यहाँ पर 623 जो है संख्या बन जाएगी। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1, इकाही, दाही, सैकड़ा। तो यहाँ पर देखिए आप 3 हैं, तो 3 हमने यहाँ पर बना दिए। इस प्रकार जैसे यहाँ बना है वैसे हमको यहाँ बनाना था, तो हमने इसको बना दिए 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें हमने बना दिए इकाही का। दाही का हम देखेंगे, दाही में कितनी संख्या है, 4। तो 4, 1, 2, 3 और ये 4 हमने दाही की संख्या को बना दिए। इसके बाद देखिए सैकड़ा, तो सैकड़ा में कितनी है संख्या, 7। तो 7 हमको ये बनाना है, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इस प्रकार 745 यहाँ पर संख्या बन जाती है। और इसके बाद देखेंगे प्रश्न 2, तो इसमें भी इकाही, दाही, सैकड़ा, इकाही में 5 है और दाही में 8 है और सैकड़ा में 9 है। तो हम इकाही में देखेंगे इसमें 1, 2, 3, 4 और 5, इस तरह हमने इसको माला को पिरो दिया। इसके बाद देखेंगे हम दाही के, तो दाही में 8 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमने दाही के 8 हमने माला को पिरोया। देखिए फिर इसके बाद में हमने देखेंगे सैकड़ा का, सैकड़ा में 9 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इस प्रकार की गुड़ियाँ से हमने इसको 9 गुड़िया इसमें डाल दी। तो इसके बाद देखेंगे इसमें हो जाएगा 985 की संख्या बन जाएगी। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम इसमें इकाही में 0 है, दाही में 5 है और सैकड़ा में 4 है। तो यहाँ पर इकाई में हम कुछ भी नहीं डाल रहे हैं। दाही में देखेंगे 1, 2, 3, 4 और 5, 5 की संख्या हमने गुड़िया जो है इसमें पहना दी है। इसके बाद सैकड़ा में देखेंगे 4 है, तो 1, 2, 3, 4, इस प्रकार 450 इसमें बन गया है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4, तो इकाही में 5 है, दाही में 9 है, सैकड़ा में 6 है। तो इकाही में देखेंगे हम 1, 2, 3, 4 और 5 गुड़ियाँ जो है इसमें पहनाई गई है। इसके बाद देखेंगे हम दाही में, तो इसको देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 इसमें गुड़िया जो है इसमें डाली गई है। इसके बाद देखेंगे सैकड़ा में 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें भी डाली गई। तो इस प्रकार 695 की संख्या यहाँ पर बन जाती है। तो बच्चों, हमने 3 अंकों की संख्याओं के साथ कार्य किया है और इसमें हमने सीखा है कि किस प्रकार से हम 3 अंकों की संख्याओं के साथ कार्य करके हम गिनती को सीख सकते हैं। इसी प्रकार हम इसमें जो है इस वर्कशीट 5 में देखेंगे हम 3 अंकों की संख्याओं को पढ़ना एवं लिखना। तो वर्कशीट 5 में देखेंगे हम पहला प्रश्न, खाली स्थान में संख्याएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 में है संख्या, सैकड़ा, दाही और इकाही। इन तीनों में हम देखेंगे इकाही में, दाही में, सैकड़ा में और पूरी संख्या कितने हो जाती है। इस प्रकार हम इकाई में देखेंगे 6, दाही में 4, सैकड़ा में 2 और संख्या
इकाही दाही सैकड़ा मिलाकर के कितनी हो गई संख्या, 246 हो गई। इसी प्रकार हम देखेंगे सारणे में इकाई में जीरो है, दाही में 6, सैकड़ा में 5। इस प्रकार हम तीनों संख्याओं का योग जोड़ लेंगे तो 560 यहाँ पर संख्या बन जाती है। इसके बाद देखेंगे हम तीसरा, तो इकाही में 9, दाही में 6 और सैकड़ा में 6, तो 669 इसमें संख्या बन जाती है। इसके बाद देखेंगे हम इकाही में 8, दाही में 0 और सैकड़ा में 8, तो 808 इसमें संख्या बन जाती है। इसके बाद देखेंगे हम सैकड़ा दाही में, इकाही में 9, दाही में 9 और सैकड़ा में भी 9, तो 999 इस प्रकार से इसमें संख्या बन जाएगी। इसके बाद देखेंगे हम अगला, इकाही में 6, दाही में 5 और सैकड़ा में 4, 456 इसमें भी संख्या बन जाती है। इसके बाद देखेंगे हम इकाही में 0, दाही में 1 और सैकड़ा में 1, 110 की संख्या इसमें बन जाती है। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम इकाही में 9, दाही में 7 और सैकड़ा में 7, तो 779 की संख्या इसमें बन जाती है। फिर इसके बाद देखेंगे हम बच्चों इसमें सैकड़ा में इकाही, दाही और सैकड़ा, तो इकाही में 7, दाही में 4 और सैकड़ा में 3, तो 347 347 की संख्या इसमें बन जाती है। तो इस प्रकार हम तीन अंकों की संख्याओं के साथ कार्य किया और कार्य करने के बाद में हमने संख्याओं को कैसे हम पहचान इसमें सीखा। तो बच्चों हम देखेंगे इसके बाद वर्कशीट 6। वर्कशीट 6 में क्या है, वर्कशीट में 6 में है आकलन 1, संख्याओं के लिखने और पढ़ने का आकलन। प्रश्न क्रमांक 1, संख्याओं को अंकों से शब्दों में लिखिए। देखिए इसमें जो है बच्चों अंकों में दी गई संख्या है, इसको हमको शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर 305 है तो हम 305 इस तरह से लिख देंगे। इसके बाद 596 है तो 596 इस तरह से लिख देंगे। इसके बाद 590 है तो 590 इस तरह से लिख देंगे। 889 है तो 889 इस तरह से हम लिख देंगे। और 925 को 925 इस तरह लिख देंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, संख्याओं को शब्दों से अंकों में लिखिए। अब हमने देखा कि अंकों से शब्दों में हमने लिखा, इसके बाद हम शब्दों से अंकों में लिखेंगे। तो यहाँ जो है 520 है तो 520 इस तरह हम लिख देंगे। 880 है तो 880 इस तरह हम लिख देंगे। 718 है तो 718 इस तरह लिख देंगे। 324 है तो 324 इस प्रकार हम लिखेंगे। 902 है तो 902 हम इस तरह लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों प्रश्न क्रमांक 3 है, खाली स्थान में संख्याएं लिखिए। संख्याएं दी गई है सैकड़ा, दाही और इकाई, इस तरह हमको लिखना है। तो संख्या में हमको खाली स्थान भरना है, तो यहाँ पर संख्या है 827। तो पहली जो सैकड़ा में है 8, दाही में 2 और इकाही में 7, तो इस तरह हम 827 को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम 559 है 559, तो सैकड़ा में 5, दाही में 5 और इकाही में 9। इसके बाद संख्या देखेंगे 309, सैकड़ा में 3, दाही में 0 और इकाई में 9। इसके बाद 410 की संख्या हमारे पास में है, तो 410 सैकड़ा में 4, इकाई में 1 और दाही में 1 और इकाई में 0, 410 की संख्या इस प्रकार हमने इसमें लिख दी है। तो इस प्रकार बच्चों हम इस वर्कशीट को हल कर लेंगे। अब देखेंगे अगली जो वर्कशीट है हमारे पास में, वर्कशीट 7, स्थानीय मान की समझ। तो स्थानीय मान की समझ हम कैसे उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। इकाही में 2 है, दाही में 3 है और सैकड़ा में 7 है। तो देखिए 2×1=2 हो जाएगा, दाही में 3×10=30 हो जाएगा और सैकड़ा में 7×100=700 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इकाई में कोई स्थानीय मान नहीं है। दाही में इकाई 3 का जो है स्थानीय मान 0 है और सैकड़ा का स्थानीय मान 400 है। तो इस तरह हम इसको हल कर देंगे। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर अभ्यास क्रमांक 1 में, इकाही में 9 है तो 9×1 कर दिए तो एक ही संख्या 9 है यहाँ पर। इसके बाद देखेंगे दाही में 8×10 है तो 80, वहाँ 80 हो जाएगा तो यहाँ 8 का स्थानीय मान 0 हो जाएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद सैकड़ा है तो सैकड़ा में 300 तीन संख्या होती है
दाई में दो संख्या होती है और इकाई में एक संख्या होती है। तो यहाँ हम सैकड़ा में देखेंगे तीन संख्याओं में, तो 6 × 100 करेंगे हम 600 हो जाएगा। तो 6 का हमारे पास स्थानीय मान जो प्राप्त होगा वो 6 के बाद 00 यहाँ पर स्थानीय मान प्राप्त होगा। इसके बाद अभ्यास दो देखेंगे, तो अभ्यास दो में इकाई दाही सैकड़ा, तो इस प्रकार 245 यहाँ संख्या हमारे पास है, इसका स्थानीय मान हम देखेंगे 5 × 1 बराबर 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान इसमें क्योंकि इकाई है तो एक संख्या है तो 5 यहाँ पर, और दाही है तो दाही में दो संख्या होती है, तो 4 × 10 करेंगे 40 हो जाएगा। तो 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और सैकड़ा का स्थानीय मान इसमें 2 × 100 तो 200 हो जाएगा, तो 200 यहाँ पर स्थानीय मान हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अभ्यास क्रमांक 3, इसमें भी इकाई दाही और सैकड़ा है, तो इसमें 455 की संख्या हमारे पास में है, तो 5 × 1 5 × 5 मतलब 5 का स्थानीय मान कुछ नहीं, 5 ही है, 5 का स्थानीय मान कुछ नहीं क्योंकि इसके बाद कोई संख्या नहीं है। इसके बाद देखेंगे 5 × 10 तो 5 × 10 = 50, 5 के बाद कितने 0 है, 1 है, तो इसका स्थानीय मान यहाँ पर यह है 0। इसके बाद देखेंगे संख्या सैकड़ा 4 × 100 400, तो 4 के बाद जो संख्याएं हैं उतने 0 इसमें लग जाते हैं, उसकी विधि भी हम देखें तो 4 के बाद 00 तो ये स्थानीय मान है। तो स्थानीय मान की मदद से हमने 999 तक की संख्याओं को पढ़ते एवं लिखते देखा है, और इस प्रकार हमने इस वर्कशीट में हमने संख्याओं का हमने जो है अभ्यास सीखा, स्थानीय मान गुणा स्थानीय मान और संख्या को हमने समझा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वर्कशीट 8 देखेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और इसी तरह वीडियो में बने रहे धन्यवाद।